सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल भारती मोबाइल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट टेक वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल भारती मोबाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फाइनली मेरी जो पहली पेमेंट थी वो मुझे आ चुकी है, इसी मंथ में आई है दोस्तों, जून में। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी मुझे पेमेंट आई है, कैसे पेमेंट आई है, क्या क्या मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों उन लोगों के लिए भी ये मोटिवेशन वीडियो है जो YouTube पर काम कर करके थक चुके हैं, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ YouTube के ऊपर, काफ़ी सारे चैनल्स बना चुका हूँ, काफ़ी सारे चैनल डिलीट करवा चुका हूँ, क्योंकि मैं भी कॉपीराइट स्ट्राइक मुझे भी आती थी, लेकिन अब मैंने अपनी वीडियो बना के उसे अपलोड करना शुरू किया है। तो जब से मैं इसे कर रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा मेरा चैनल चल रहा है और काफ़ी अच्छी अर्निंग अभी आनी शुरू हो गई है। तो दोस्तों मैं पिछले 4 से 5 मंथ में ये चैनल बनाया था और उसे मोनेटाइजेशन भी जल्दी से कर दिया गया, क्योंकि मेरे को पास कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं था, क्योंकि मैंने सभी की सभी खुद इस पे वीडियो बना के डाली थी और कोई भी कॉपीराइट वीडियो या कंटेंट नहीं लिया था। तो आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा या आपको भी मैं सलाह दूँगा कि आप कभी भी कॉपीराइट मटेरियल अपनी वीडियोज़ में मत डालिए, क्योंकि मैं भी पहले काफ़ी डालता था, मुझे स्ट्राइक आती थी और मेरा चैनल डिलीट हो जाता था। 3-3, 4-4 स्ट्राइकें इकट्ठी आ जाती थी, क्योंकि मैं काफ़ी कॉपीराइट मटेरियल यूज़ करता था। कभी मूवी अपलोड कर दी, कभी फेसबुक से अपलोड कर दिया, कभी व्हाट्सअप से अपलोड कर दिया। लेकिन अब मैं सही काम करना शुरू किया हूँ तो मुझे पहली बार पेमेंट, फर्स्ट पेमेंट मेरी आ गई है। तो कितनी पेमेंट आई है, किस हिसाब से मुझे पेमेंट मिली है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं अपने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। और अगर आप भी हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप भी नई नई ट्रिक्स और टिप्स पा सकें। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे को जो अर्निंग होनी शुरू हुई है वो 5-6 मंथ से ही शुरू हुई है, और मेरी फर्स्ट पेमेंट है जो वो आई है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कितनी आई है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, मुझे अप्रैल में जो अर्निंग हुई थी वो उसका हुई थी वो $16। तो उसके बाद मुझे अर्निंग हुई है जो मई में हुई है वो है $31.93। तो मुझे जो पेमेंट मिली है फुली वो मिली है $1.143.62। तो चलिए ये मेरे बैंक में ट्रांसफ़र हुई थी 21 तारीख को, और आज क्या तारीख है दोस्तों, आज है 27 तारीख। तो 27 तारीख को मैं मुझे मेरे अकाउंट में ये पेमेंट आ चुकी है। हालांकि पहले ही आ जानी चाहिए थी, लेकिन ये फर्स्ट पेमेंट थी तो अटक गई थी बैंक में। तो मुझे एक मेल आया, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अगर मेरे पास मेल पड़ा हुआ तो। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ कि कैसे मुझे रिसिप्ट मिली है, इसकी कैसी रिसिप्ट आई है, जो $143 आए हैं क्या रेट लगा है उसका। और ये देखिए ये है मेरी पेमेंट, तो आप देख रहे होंगे पेमेंट डेट है 21 जून। तो यहाँ पे 21 जून को $143 मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए थे। उसके बाद 22 तारीख को मेरे को मेल आ गया था, 22 नहीं दोस्तों 23 तारीख को मेरे को मेल आ गया था। तो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको अगर मेरे पास मेल पड़ी हुई तो, और पेमेंट कितनी आई है, कन्वर्ट होके कितने मुझे मिले हैं, कितने कटे हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले मेल में चलते हैं। तो यहाँ पे मेल में मैं आपको बता देख लेते हैं, यहाँ पे अगर मेरे पास वो मेल पड़ी हुई तो मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास मेल आई थी, सॉरी मेरे पास शायद मे भी मेल हो या ना हो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा। ये देखिए मेरे पास ये देखिए मेल आ गई थी, जो कि 2 दिन पहले हुई थी, 2 दिन बाद मुझे ये पेमेंट मिली है। तो यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए थे, कुछ एड्रेस वगैरह यहाँ ऐसे दिया गया था, और बोला गया थी कि अगर आपको ये पेमेंट आपके अकाउंट में ना डालें तो उसके रिगार्डिंग हमें रिपोर्ट करें। तो मैंने कोई भी रिपोर्ट नहीं की, और 2 दिन के बाद मुझे कॉल आई बैंक की तरफ से कि आपकी ये पेमेंट किस लिए आई है। तो जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि ये मेरी यूट्यूब से जो अर्निंग हुई है उसकी पेमेंट आई है, तो उन्होंने ये पेमेंट थी 2 दिन के अंदर मेरे अकाउंट में डाल दी। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि मुझे कितनी पेमेंट आई है। मैसेज में चलते हैं, मैसेज में जाने के बाद आपको यहाँ पे ये देखिए HDFC की बैंक की तरफ से मुझे मैसेज आया है, अपडेट इंडियन 9679.99 डिपॉजिट टू ईयर अकाउंट, यहाँ पे लिखा हुआ है $143.2। आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए फाइनल बैलेंस भी इन्होंने बता दिया है। तो मुझे जो मिली है पेमेंट वो 9680 रुपये के करीब करीब मुझे पेमेंट ये मिल गई है। तो दोस्तों यूट्यूब से पेमेंट आने के बाद आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि उसमें कितने पेमेंट हमारी जो मिली है और उसमें से कितनी आपकी कट गई है।
तो कितनी कटती है ये आपके सामने, मैंने स्क्रीनशॉट अपने अकाउंट का ले लिया है। तो इसमें मेरे देखिए आप 9679.99 रुपीस आए थे, जिसमें से 22.50 और 22.50 कट गए हैं, मतलब कि 45 रुपये कटे हैं और फुली पेमेंट मुझे मिल गई है, उसमें से 45 रुपीस मेरे कटे हैं। तो आपका कुछ ज़्यादा पेमेंट कटती नहीं है, आपके अकाउंट में फुली पेमेंट जो होती है वो आ जाती है, और जो रेट लगा है वो 67.40 रुपीस में लगा है इंडियन रुपीज़ में। तो दोस्तों आपको फुली पेमेंट आपकी मिल जाती है, इतना बैंक चार्जेस नहीं काटता है। बैंक देखिए मुझे 10,000 रुपये में 45 रुपये ही सिर्फ लगे हैं। अगर अच्छी अमाउंट आती, इससे ज़्यादा अमाउंट आती तो कितने कट जाते, 200-400 रुपये कटते, इससे ज़्यादा नहीं कटते दोस्तों। तो इतने के रुपीज़ आपके इसमें कटते हैं। तो फिर से मैं उन सभी अपने व्यूअर्स या अपने सब्सक्राइबर का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे मेरी वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया कि आज मेरी फर्स्ट पेमेंट है वो मेरे अकाउंट में आ चुकी है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम नई नई वीडियो ऐसे ही आपके लिए लेके आता रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।